गुड इवनिंग। मेरा देश के तमाम जो युवा है, जितने भी लड़के और लड़कियां जो जॉब ओरिएंटेड बच्चे हैं, उन सबके लिए जो यहां से यहां देख पा रहे हैं, जैसे कि ईस्टर्न रेलवे की तरफ से एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दिया गया है। ईस्टर्न रेलवे कोलकाता की तरफ से, जैसे कि आप यहां पे देख पा रहे हैं, 1201 वैकेंसीज यहां पे दिया हुआ है एज एक्ट अप्रेंटिस के तौर पर। ठीक है, 1201 बच्चे जो है ट्रेनिंग ले सकते हैं। और ये ट्रेनिंग, जैसे आपका अप्रेंटिस सर्टिफिकेट आप हासिल करने के बाद, क्वालिफाइड होने के बाद, आपको बहुत सारे जो अपॉर्चुनिटीज में शामिल होने का मौका मिलेगा, इवन इफ रेलवे में भी। ठीक है, तो चलिए आज जो ये तमाम वैकेंसी जो दिया गया है इंडियन जो ईस्ट कोस्ट रेलवे की तरफ से, इनका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा और सिलेक्शन प्रोसेस किस बेस पे इन कैंडिडेट को सिलेक्ट किए जाएंगे, इनका मेडिकल स्टैंडर्ड्स क्या रहेंगे और कैटेगरी वाइज वैकेंसी वगैरह किस तरह की रहेंगे और कहाँ कहाँ इनको ट्रेनिंग ट्रेनिंग बेस इनको दिया जाएंगे, ये तमाम चीज़ के ऊपर मैं चर्चा करूँगा, इसमें स्टेप बाय स्टेप करूँगा। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले, सबसे पहले मेरा जो कुछ न्यू व्यूअर्स जो है, जो पहली बार मेरा चैनल को व्यू कर रहे हैं, उन तमाम व्यूअर्स को मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप लोग इस चैनल को अगर इस चैनल में अगर पहली बार व्यू कर रहे हैं तो कृपया करके इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ इसको इसका बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि इस तरह की कोई भी जैसे रिक्रूटमेंट संबंधित या एडवर्टाइजमेंट रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट, किसी प्रकार का कोई नोटिफिकेशन अपडेट्स अगर मैं शेयर करूँ, ताकि तुरंत उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। ठीक है, इसके लिए आपको ज़रूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और उसके साथ साथ आपको बेल आइकन प्रेस करना पड़ेगा। उसके साथ साथ एक चीज़ कहना चाहूँगा, इस चैनल को अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। शेयर करने से आपका फ्रेंड सर्कल में, आपका रिलेटिव जो सर्कल में कोई ना कोई बच्चा ऐसा होगा जो इसके लिए एलिजिबल होगा, उनके आपके वजह से उनको थोड़ा हेल्प मिल जाएगा। मेरे को लगता है जैसे हमारे देश में कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको शायद लगता है किसी भी चैनल को अगर सब्सक्राइब करने से उनका कुछ पैसा कटता है, मगर ऐसे कुछ नहीं है। आप अगर किसी चैनल को, जो बच्चे इस तरह की उनका मन में है, तो मैं उन्हें बता देना चाहता हूँ, अगर किसी भी चैनल को आप सब्सक्राइब करते हैं उसके लिए आपको कोई सब्सक्रिप्शन या पैसा नहीं कटता है। ठीक है, यह आपका बेनिफिट के लिए है, सब्सक्राइब करने से, बेल आइकन को प्रेस करने से, जो चैनल आप व्यू करना चाहते हो, जिसके रिगार्डिंग आप देखना चाहते हो, उसको आप कर सकते हो, करने से आपको उसका नोटिफिकेशन जो है मिलते रहेगा, टाइम टू टाइम मिलते रहेगा। चलिए अभी टॉपिक को शुरू करते हैं। जैसे मैंने वैकेंसी बताया, कुल वैकेंसी यहाँ पे देख पा रहे हैं 1201 वैकेंसी जो ईस्टर्न रेलवे की तरफ से है। यहाँ पे देखिए शेड्यूल कुछ इस तरह है, शेड्यूल की अगर बात करूँ, शेड्यूल कुछ इस तरह है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। जैसे इसका जो पब्लिकेशन ऑफ नोटिस ऑन द वेबसाइट, जो कि 29 मार्च को इसका वेबसाइट में पब्लिश हो गया है। ओपनिंग डेट एंड टाइम ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, जो ऑनलाइन एप्लीकेशन का ओपनिंग जो डेट है वो है 11 अप्रैल 2022 को है। क्लोजिंग डेट और टाइम ऑफ क्लोजिंग डेट एंड टाइम ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन जो होता है 10/5/2022 तक ये क्लोज हो जाएंगे। ठीक है, इसका जो मेन मकसद है, इस अप्रेंटिस जो एक्ट अप्रेंटिस को वैकेंसी को पूरा करने का, इनको ट्रेंड करने का, ट्रेनिंग इनको दिया जाता है कहाँ पे, वर्कशॉप से, जो रेलवे वर्कशॉप्स वगैरह है उनको ट्रेंड की जाती है। और उसके बाद जो वेरियस डिविजन्स है ईस्टर्न रेलवे का, ये एक्ट जो अप्रेंटिस एक्ट है उसके तहत उनको ट्रेंड किया जाता है। ट्रेंड करने के बाद जो अप्रेंटिस सर्टिफिकेट इनको प्रदान किया जाता है, जो मतलब क्वालिफाइड अप्रेंटिस सर्टिफिकेट प्रदान किया जाता है। उसके साथ साथ जो ये जो एडवर्टाइजमेंट में मैं बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूँ, ये जो एडवर्टाइजमेंट है प्योरली आपका ट्रेनिंग पर्पज के लिए, ट्रेनिंग ट्रेंड करके आपको सर्टिफिकेट दिया जाएंगे, आपको वेरियस जो गवर्नमेंट जॉब के लिए आपको एलिजिबल कराए जाएंगे। ठीक है, ये सर्टिफिकेट अगर मिलता है तो आप वेरियस अलग अलग प्रकार के बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब है, जो जैसे ग्रुप डी का, खास करके ये जो ट्रेनिंग चल रहा है ग्रुप डी का जो जॉब है, खास करके रेलवे, आपका किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जो इस तरह की आपका अपॉर्चुनिटी मिलेगा, जहाँ पे आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर से, जो आपका आईटी सेक्टर है, रेलवे सेक्टर है, जहाँ पे टेक्नोलॉजी संबंधित बात जहाँ पे आता है, उस सेक्टर में आपको बहुत बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगा। तो इसलिए मेरा जो देश का जो तमाम युवा है, जो लड़कियाँ हैं चाहे लड़के हो, सबको मैं कहना चाहता हूँ, जो इस कैटेगरी में आते हैं, इस कैटेगरी के अंदर आते हैं, क्वालिफिकेशन 10th या 8th स्टैंडर्ड के होते हैं, आईटीआई कर चुके हैं, आईटीआई या डिप्लोमा कर चुके हैं, मैं उन तमाम कैंडिडेट्स को ये कहना चाहूँगा, ये अप्रेंटिस सर्टिफिकेट जो है आपको लेना बहुत ज़रूरी है, इसमें आप ट्रेंड होना बहुत ज़रूरी है। ये जो अप्रेंटिस सर्टिफिकेट रेलवे की तरफ से मिलता है, इवन इफ नेवल भी दे रहा है,
और भी कुछ इंस्टीट्यूशन है, हमारा नेशनल इंस्टीट्यूशन है दे रहा है, जो कि आपका बहुत फ़ायदेमंद रहेगा आपका फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज को लेके, जब जब आपका जब अपॉर्चुनिटी को लेके, ठीक है। तो तमाम जो व्यूअर्स को मैं कहना चाहूँगा, इसको टाइमली सबमिट कर लीजिए। अगर आप 10th क्वालिफाइड है, 8th क्वालिफाइड है, अकॉर्डिंग टू योर एलिजिबिलिटी ITI अगर कर चुके हैं, आपका जो स्टेट काउंसिल से कर चुके हैं या नेशनल काउंसिल के अंडर में कर चुके हैं, तो आप ये अप्रेंटिस जो है ट्रेनिंग जो वैकेंसी में अपॉइंटमेंट हो जाइए, इसका ट्रेनिंग कर लीजिए और इसका सर्टिफिकेट हासिल कीजिए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट जो चीज़ें यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे हावड़ा डिवीज़न, जैसे कि मैंने बताया, इसका जो ट्रेनिंग अलग अलग, ये जो 1201 बच्चे को पहले सिलेक्ट किए जाएंगे, सिलेक्ट करने के बाद इनको मेरिट बेसिस पे सिलेक्ट किया जाएंगे, ठीक है। इनके लिए कोई रिटर्न एग्जामिनेशन नहीं होगा, जो डॉक्यूमेंट आप फिलअप करेंगे उस ऑन द बेसिस ऑफ दैट डॉक्यूमेंट आपका परसेंटेज के हिसाब से आप लोगों को सिलेक्ट किया जाएगा, मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। और जो वेरियस डिवीज़न, जैसे जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, पहला डिवीज़न है हावड़ा डिवीज़न है, जैसे कि यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाऊंगा वैकेंसी वगैरह दिखाऊंगा, देखिए यहाँ देख सकते हैं, जैसे कि देखो सीरियल नंबर दिया है इसका, ट्रेड्स यहाँ पे दिया हुआ है, ट्रेड्स कौन से ट्रेड के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। दूसरी जो बड़ी चीज़ें हैं, आप UR के लिए देखिए, सबसे पहले जो अगर मैं एक चीज़ का बात करूँगा, देखिए सीरियल नंबर 1 पे फिटर है, ठीक है। फिटर ट्रेड के लिए जो अनरिजर्व कैटेगरी, जिसको हम जनरल कैटेगरी कहते हैं, आपका 114 वैकेंसी है, आपका EWS जो होता है इकोनॉमिकल रिक्वायर सेक्शन 28 है। शेड्यूल कास्ट के लिए जैसे 42 वैकेंसी रखा गया है, शेड्यूल ट्राइब के लिए आपको 21 वैकेंसी है, यहाँ पे देख सकते हो। OBC के लिए आपका 76 वैकेंसी है टोटल, यहाँ पे अगर देखेंगे तो फिटर के लिए 281 वैकेंसी यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। आपको जो जो ब्लाइंडनेस एंड लो विजन के, उनके लिए 4 रखा गया है रिजर्व वैकेंसी है। आपका डीप एंड हार्ड हियरिंग, जो सुनने में कमज़ोर है या जो ऐसे डीप एंड जो मतलब सुन नहीं पाते हैं, उस तरह के जो कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए 4 वैकेंसीज रखा गया है। उसके अलावा जो PWD कैंडिडेट्स है, उसके लिए अलग अलग जो PWD कैंडिडेट, जैसे लोकोमोटिव डिसेबिलिटी होता है इंक्लूडिंग जो सेरिबुलर पॉलिसी, उनके लिए 2 रखा गया है। सेकेंड जो आपका वैकेंसी है, यहाँ पे देख सकते हैं, जो ऑस्टिज्म होता है और मल्टीपल जो डिसेबिलिटी है, उनके लिए 2 वैकेंसीज रखा गया है। और एक्स सर्विसमैन के लिए आपका 9 वैकेंसीज रखा गया है। इस तरह की मैं दिखाना चाहूँगा जो हावड़ा डिवीज़न के लिए, इस तरह की हर ट्रेड में यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे हैं, जैसे वोल्ड्रेट सेकंड में, वोल्ड्रेट ट्रेड में, थर्ड में आपका मैकेनिक जो MBA व्हीकल मैकेनिक है, तो ये जो आपका फोर्थ नंबर पर, ये भी मैकेनिक है, आपका डीजल जो स्पार्क इंजन है, ठीक है, उसके मैकेनिक्स है, आपका मशीनिस्ट है, आपका कारपेंटर, पेंटर, आपका लाइनमैन जो जनरल होता है, वायरमैन होता है, और रेफरेंस होता है जो आपका AC मैकेनिक जो होता है उनके लिए है, इलेक्ट्रिशियन है, मैकेनिक आपका मशीन, ठीक है। इस तरह की जितना भी जो ट्रेड है आपका ITI डिप्लोमा संबंधित, जितना भी ये टेक्नोलॉजी संबंधित जितना भी ट्रेड है, सभी ट्रेड के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे वैकेंसीज दिए हुए हैं। जैसे हावड़ा डिवीज़न में देखिए 659 बच्चे जो है उनका वैकेंसी है हावड़ा डिवीज़न के लिए। उस तरह मैं सारे डिवीज़न को दिखाना चाहूँगा। देखिए यहाँ पे दूसरा डिवीज़न है आपका ये लुलुआ वर्कशॉप, जो एक डिवीज़न लुलुआ वर्कशॉप में देखिए, ये आपका सेकंड जो वर्कशॉप है, यहाँ पे कितनी वैकेंसीज रखा गया है उस तरह की देखिए, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, जैसे यहाँ पे आपका फिटर, आपका मैकेनिकल टर्नर है, आपका वेल्डर है, आपका पेंटर आपका हो गया, इलेक्ट्रिशियन हो गया, वायरमैन हो गया, आपका रेफ्रिजरेटर जो AC जो मैकेनिक्स है उसका जो वैकेंसीज वगैरह, इसमें सारे कैटेगरी वाइज और रिजर्व आपका SC ST OBC PWD सारे का देखिए, इस तरह की जो वैकेंसी दिया हुआ है आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, आपका डिवीज़न जो होता है सियालदह डिवीज़न, यहाँ पे थर्ड में आता है आपका सियालदह डिवीज़न। सियालदह डिवीज़न में भी उसी तरह की वैकेंसी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, जैसे इलेक्ट्रिशियन से लेकर आपका हर वैकेंसी सीरियल नंबर 1 से लेकर, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, जैसे सीरियल नंबर 1 से लेकर सीरियल नंबर 5 तक ये टोटल वैकेंसी कैटेगरी वाइज यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे कैटेगरीज आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, अनरिजर्व आपका UWS SC ST, तो यहाँ पे जो कंप्लीट नोटिस को आप देख सकते हैं, मैं शेयर करूँगा इसका, बताऊँगा आगे बताऊँगा ये नोटिस, ये जो PDF को हम कहाँ मिलेगा, मैं आखिर में इसको बताऊँगा कि इसका PDF आप लोगों को कहाँ मिलेगा, संपूर्ण जो PDF है यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये सियालदह डिवीज़न के लिए, सियालदह डिवीज़न में देखिए कितना बच्चा जो ट्रेनिंग ले सकते हैं, देखिए टोटल सम ऑफ देखिए 297 जो कैंडिडेट्स हैं उनको ट्रेनिंग के लिए यहाँ पे जो एम्प्लॉयड जो किया जाएंगे, ट्रेनिंग के लिए भर्ती की जाएंगे, सिर्फ ये ट्रेनिंग पर्पज के लिए, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका आता है देखिए, आपका कांचनपुरा जो वर्कशॉप है, कांचनपुरा वर्कशॉप में देखिए उसी तरह की जो वैकेंसी है, उस तरह की वहाँ की जो वैकेंसी है यहाँ पे देख सकते हैं, 187 वैकेंसी कांचनपुरा में वैकेंसी जो फिलअप की जाएंगे ट्रेनिंग के लिए।
आपका फिफ्थ जो होता है ये होता है मालदा डिवीजन। मालदा डिवीजन में उसी तरह की आप अगर देखेंगे जो वैकेंसी है यहाँ पे कुल वैकेंसी कुछ 138 वैकेंसी है, यहाँ पे देख सकते हैं तो 138 वैकेंसी। जैसे उसका डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह दिया हुआ है, जैसे पहले मैंने बताया जैसे अनरिजर्वड कैटेगरी आपका शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब ओबीसी ईडब्ल्यूएस, ये आप जो संपूर्ण जो नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं, ठीक है। ये देखिए आसनसोल, जो आसनसोल होता है आसनसोल डिवीजन के लिए अगर आप देखना चाहेंगे यहाँ पे देखिए टोटल जो वैकेंसी है 412 वैकेंसी है यहाँ पे, ठीक है। लगभग जो इसमें जो आपका जो वैकेंसी है जैसे कि मैंने पहले बताया था 1201 जो वैकेंसी है इसमें इस वैकेंसी को पूरा की जाएगी और उन बंदों को ट्रेंड की जाएगी और ट्रेंड करके एक जो अप्रेंटिस सर्टिफिकेट उनको प्रदान की जाएगी और ये सर्टिफिकेट आपका फ्यूचर में बहुत सारे काम बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज से आपको शामिल कराने में मदद करेगा, एलिजिबल कराएगा, ठीक है। अभी देख सकते हैं नेक्स्ट जो कैटेगरी है जैसे जमालपुर वर्कशॉप है, जमालपुर वर्कशॉप की अगर बात करेंगे देखिए यहाँ पे कुछ वैकेंसीज है, यहाँ पे 667 जो कुल वैकेंसीज है, ठीक है। ये तमाम वैकेंसी को फिलअप की जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में अभी बात करते हैं आपका रिजर्वेशन की बात। देखिए इसमें देखिए जो बच्चे हैं जो कैंडिडेट्स हैं इसमें क्लियरली बोला जा रहा है नो एज रिलैक्सेशन इज अलाउड टू द कैंडिडेट्स अप्लाइंग अगेंस्ट। अगर कोई बच्चा इसमें बोला जा रहा है कि कोई बच्चा जैसे एस सी एस टी या ओ बी सी का बच्चा अगर जनरल कैटेगरी या अनरिजर्व कैटेगरी में अप्लाई करता है तो उस बच्चा को कोई एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा, ठीक है। ये बात को आपको ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट चीज़ देखिए आपका किन किन लोगों को इसमें अलाउड की गई है, इसमें जैसे कि आपका कोटा ट्रेनिंग स्लॉट जो एक्स सर्विस मैन जो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी जो है यहाँ पे आप देख रहे हैं, ठीक है, इंक्लूडेड इन द ओवरऑल ट्रेनिंग, ठीक है, ट्रेनिंग स्लॉट्स, ठीक है। यहाँ पे देखिए कुछ एक्स सर्विस मैन उनको भी शामिल किया गया, रिजर्वेशन टू एक्स सर्विस मैन एंड देयर चिल्ड्रन एंड चिल्ड्रन ऑफ आर्म फोर्सेस पर्सनल। जो हमारा डिफेंस फोर्सेस में जो अभी सर्विंग जो सोल्जर्स है उनके लिए है, जो एक्स सर्विसमैन जो भूतपूर्व सैनिक है जो पहले से नौकरी करके अभी रिटायर्ड हो चुके हैं उनका बच्चों के लिए जो एक्स सर्विसमैन का बच्चों के लिए जो सर्विंग जवान सभी जो सोल्जर काम कर रहे हैं कार्यरत है सेना में, चिल्ड्रेन ऑफ सर्विंग ऑफिसर्स जो अभी जो अधिकारी काम कार्यरत है और एक्स सर्विसमैन इनका बच्चों के लिए इसमें रिजर्वेशन फैसिलिटी दी गई है, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ों को आप देख सकते हैं। दूसरा देखिए यहाँ पे जैसे पर्सन विथ डिसेबिलिटी की बात करें, यहाँ पे देखिए पर्सन विथ डिसेबिलिटी जो वो कैटेगरी है जैसे आपका ऑर्थोपेडिकली जो हैंडीकैप्ड बच्चे हैं उनको देखिए कौन सी ट्रेड के लिए क्या क्या लागू है। जैसे फिटर ट्रेड है इसका लोअर लिम्ब पार्शियलिटी डैमेज फ्रॉम वन साइड कैन जॉइन, तो फिटर ट्रेड के लिए अगर ये होता है ये कंडीशन होता है लोअर लिम्ब पार्शियलिटी डैमेज होता है फ्रॉम वन साइड कैन डैमेज, तो इसी तरह की देखिए आपका टर्नर आपका मशीनिस्ट आपका वेल्डर आपका इलेक्ट्रिशियन पेंटर आपका कारपेंटर हो गया रेफ्रिजरेटर हो गया सारे ट्रेड के लिए कितने जो कौन सी प्रकार के जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स जो है एलिजिबल होंगे ये सारे चीज़ इसमें देखिए इसमें चर्चा की गई है। इसको आप कंप्लीटली चेक कर सकते हैं, अगर कोई पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स है तो आराम से इसको चेक कर सकते हैं, बिट बाई बिट आप चेक कर सकते हैं। इसमें देखिए अगर एज क्राइटेरिया की बात किया गया तो इसमें जो कैंडिडेट्स होना चाहिए वो 15 साल से ऊपर होना चाहिए 24 साल से उम्र उनका जो उम्र कम होना चाहिए, ठीक है। ये स्पेशली जो है आपका अनरिजर्व जो कैटेगरी जिसको जनरल कैटेगरी बोला जाता है उनके लिए लागू होता है, बाकी जो जितने भी कैटेगरी है उनका जो एज लिमिट है वो रिलैक्सेशन के साथ काम करेगा। जैसे कि आपका देखिए ये तो आपका 15 से 24 तक हो गया आपका अनरिजर्व कैटेगरी के लिए सबके लिए है, सिर्फ अनरिजर्व कैटेगरी के लिए नहीं, इसलिए मैं अनरिजर्व कैटेगरी कह रहा हूँ क्योंकि ये अनरिजर्व कैटेगरी को कोई रिलैक्सेशन नहीं है। उनका सर्वन जो लोअर एज है वो 15 ईयर से ऊपर होना चाहिए और अपर एज लिमिट 24 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये आपका अनरिजर्व कैटेगरी के है। बट इनका सब एस सी एस टी है तो 5 साल और उनको मिलता है, जैसे 24-5 आपका 29 हो जाता है, ठीक है, 29 साल तक वो कर सकते हैं। अगर ओबीसी कैंडिडेट है 24+3 या 27 साल तक ये वैकेंसी में शामिल हो सकते हैं, और जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स होते हैं उनको 10 साल का इसमें छूट मिलता है, ठीक है, 10 साल का उनको छूट मिलता है, दैट मीन्स वो 34 साल तक 24+10 34 तक वो इस पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसी तरह जैसे बताया गया जो एक्स सर्विस मैन होते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे एक्स सर्विस मैन होते हैं यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है उनको भी 10 साल का छूट दी जा रही है अपर एज लिमिट में, ठीक है। चलिए अभी नेक्स्ट चीज़ें देखते हैं उनका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। यहाँ पे देखिए कुछ ट्रेड्स ऐसे होते हैं उनका
यहाँ पे देखिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन तो आपको 10th क्लास पास चाहिए, इसके साथ साथ आपको जो कि 50% विथ एग्रीगेट 50% मार्क चाहिए, ठीक है, फ्रॉम ए रिकग्नाइज्ड बोर्ड एंड ऑल्सो शुड पोजेस नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट। आपके पास नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि आपका चाहे वो नेशनल काउंसिल वोकेशनल ट्रेनिंग से हो या स्टेट काउंसिल वोकेशनल ट्रेनिंग से हो, आपको ये नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट, ये दोनों सर्टिफिकेट में से कोई भी एक सर्टिफिकेट होना चाहिए, नेशनल सर्टिफिकेट हो चाहे स्टेट लेवल का ट्रेड वोकेशनल ट्रेनिंग, ये दोनों में से NCVT सर्टिफिकेट या SCVT सर्टिफिकेट जो लोग अचीव कर चुके हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग कर चुके हैं, वो बच्चे ही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। खाली अगर कोई 10th पास बच्चा अगर सोचता है कि मैं इसको अप्लाई करूं, ऐसे अप्लाई करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, आपको रिजेक्ट कर दिया जाएंगे, ठीक है। और कुछ ट्रेड्स यहाँ पे, जैसे कुछ ट्रेड्स के बारे में बात करूँगा, इनका जो क्वालिफिकेशन जो है 8th पास चाहिए इनके लिए, 10th पास की आवश्यकता नहीं है, बट इसमें नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट उनको भी चाहिए, ठीक है। इसके लिए ये जो ट्रेड्स है, जैसे वोल्डर हो गया आपका, गैस ऑब्लिक जो इलेक्ट्रिक वोल्डिंग जो करते हैं, शीट मेटल वर्कर हो गया आपका, लाइनमैन, वायरमैन, कारपेंटर आपका, पेंटर, ये जो ट्रेड के लिए आपको चाहिए 8th क्लास जो है, 8th क्लास पास सर्टिफिकेट, 8th क्लास जो है पास सर्टिफिकेट चाहिए। उसके साथ आपको चाहिए कौन सी, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट, जो NT नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट, NTC नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट जो है वो आपको, जो आपका NCVT जो नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग या जो स्टेट काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग से आप उसको प्राप्त कर सकते हैं, प्राप्त किए हुए होना चाहिए, ठीक है। इन्हें जो ये जो छह ट्रेड को छोड़ के बाकी जो ट्रेड का वैकेंसी दिया हुआ है वो सब, उसका क्वालिफिकेशन 10th पास होना चाहिए और नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है, ठीक है। देखिए उसके बाद मेडिकल जो फिटनेस की अगर बात करें, एक मिनिमम स्टैंडर्ड होना चाहिए, जो मेडिकल जो स्टैंडर्ड है, एक मिनिमम स्टैंडर्ड, देखिए यहाँ पे क्लियरली बताया गया है आपका, एक मिनिमम स्टैंडर्ड जो फिजिकल फिटनेस स्टैंडर्ड होना चाहिए, आपका एक फॉर्मेट दिए जाएंगे, उसी फॉर्मेट में आपको, देखिए एक मेडिकल सर्टिफिकेट शुड बी साइंड बाय द गवर्नमेंट अथॉरिटी डॉक्टर जो कि गैजेटेड डॉक्टर है, नॉट लेस देन असिस्टेंट सर्जन ऑफ सेंट्रल या स्टेट हॉस्पिटल, जो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट की जो हॉस्पिटल है, नॉट लेस देन द रैंक ऑफ असिस्टेंट सर्जन, आपको सिग्नेचर कराना होगा मेडिकली आप फिट है करके, वो एक सर्टिफिकेट देंगे। उसके बाद आता है आपका मोड ऑफ सिलेक्शन, मोड ऑफ सिलेक्शन की अगर बात करें, आप यहाँ पे देख सकते हैं मोड ऑफ जो सिलेक्शन कुछ इस तरह किए जाएंगे, आपका सिलेक्शन ऑफ ए कैंडिडेट फॉर ट्रेनिंग स्लॉट ऑफ यूनिट ईस्टर्न रेलवे विल बी ऑन द बेसिस ऑफ द मेरिट प्रिपेयर्ड इन रेस्पेक्ट ऑफ ऑल एलिजिबल कैंडिडेट्स, ठीक है। आपको स्पेशली बता दूं, आपका जो मेरिट लिस्ट तैयार होगा वो ऑन द बेसिस ऑफ जो डाटा आप दे रहे हैं, आपका मेट्रिकुलेशन और आपका जो नेशनल सर्टिफिकेट जो आप प्रोवाइड कर रहे हैं, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट जो प्रोवाइड कर रहे हैं, उन दोनों की दोनों को मद्देनजर रखते हुए जो ITI कर चुके हैं या जो डिप्लोमा कर चुके हैं जो कैंडिडेट्स, उनका ये दोनों मार्कशीट को बेस करके आपको जो है बनाए जाएंगे, जो मेरिट लिस्ट बनाए जाएंगे। उसी तरह जो आपका ये जो हाँ मेरिट लिस्ट जो है तैयार की जाएंगे, ठीक है। एक तो मेरिट लिस्ट तैयार किए जाएंगे जो कि आपका कैटेगरीज और कम्युनिटी जो जिसको बोलते हैं कम्युनिटी वाइज है, आपका अनरिजर्व कैटेगरी का अलग बनेगा, SC ST का अलग बनेगा, आपका OBC कैटेगरी जो नॉन क्रिमिनल लेयर के लिए अलग बनेगा, एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के लिए अलग बनेगा, उसी तरह आपका कैटेगरी वाइज आपका ये बन जाएंगे। जो सिलेक्ट लिस्ट होगा यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, जो सिलेक्ट लिस्ट फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो लिस्ट तैयार किया जाएगा, जो बच्चे पहले सिलेक्ट होंगे उन बच्चों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का लिस्ट में शामिल की जाएंगे, ठीक है। विल बी द बेसिस ऑफ द एवरेज मार्क्स इन द मेट्रिकुलेशन एंड ITI, जो मेट्रिकुलेशन और ITI, जो आपका नेशनल जो सर्टिफिकेट होता है वोकेशनल ट्रेनिंग का जो सर्टिफिकेट होता है या ITI जो सर्टिफिकेट होते हैं, उसको बेस करके आप जो मेरिट लिस्ट में आएंगे उन बच्चों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाए जाएंगे, ठीक है। ये होता है आपका, इसमें देखिए दो कैटेगरी आपका दो टाइप का मेरिट लिस्ट आपका बनेंगे, एक तो 10th पास का जो कुछ ट्रेड है जिसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जैसे कि आपका 10th पास माना गया है, मिनिमम क्वालिफिकेशन माना गया है, उसका अलग बनेंगे मेरिट लिस्ट जो है अलग बनेंगे, जो DV के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। और जो 8th पास स्टैंडर्ड के जो बच्चे हैं उनके लिए अलग से, जो ट्रेड को 8th पास मिनिमम क्वालिफिकेशन की ज़रूरत है, उनका जो मेरिट लिस्ट जो DV के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अलग से बनाए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कितने बच्चे बुलाए जाएंगे, ठीक है। इसमें देखिए इसमें क्लियरली बताया गया है कि इसमें 1.5 गुना आपका जितना वैकेंसी है, जैसे वैकेंसी अगर 1201 है, इसका 1.5 गुना मल्टीप्लाइड इनटू 1.5 गुना, ठीक है। तो ये वैकेंसी लगभग आपको 3000 के आसपास जो बच्चे इसमें जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाए जाएंगे, अगर 1.5 गुना इसमें आपका हो जाएगा
जैसे कि हाँ आपका जैसे 1201 है तो डेढ़ गुना इसका मीन्स आपको 1800 समथिंग के आसपास जो बच्चे हैं वो आपको बुलाए जाएंगे, डेढ़ गुना में 1800 के आसपास जो बच्चे बैठ रहे हैं वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाए जाएंगे। उसके बाद देखिए उसमें क्या होगा, उसके बाद एक चीज़ होगा, हाउएवर द अपॉर्चुनिटी फॉर ट्रेनिंग विल बी गिवन टू द कैंडिडेट्स हु आर सिलेक्टेड एज पर मेरिट ऑर्डर देयर रेस्पेक्टिव कम्युनिटीज इन द रेशियो ऑफ 1:1 ऑफ द नोटिफाइड ट्रेनिंग स्लॉट्स, ठीक है, सब्जेक्ट अधेरिंग टू अदर प्रेस्क्राइब्ड क्राइटेरिया एज पर द रेलवे रूल्स, फॉर एग्जाम्पल मेडिकल फिटनेस इज रिक्वायर्ड कैटेगरी रूल्स फॉर द वेरिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट्स। ये तमाम चीज़ें होने के बाद, ठीक है, जैसे आपका मेडिकल स्टैंडर्ड्स मेडिकली आप फिट ही होंगे, दूसरी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप क्वालिफाई करेंगे, तब एक मेरिट लिस्ट जो बनेगा उसी उसके बाद इनको अब ट्रेनिंग की अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। ये जो वैकेंसी पूरा की जा रहा है ये कंप्लीट जो है ट्रेनिंग पर्पज में है, ये नहीं कि आपको कोई भी जो ईस्टर्न रेलवे बाधा कभी नहीं कर रहा है, इस नोटिफिकेशन में क्लियर किया है कि वो जॉब आपको 100% देगा, बट इसमें पास होने के बाद जो रेलवे की जो ग्रुप डी का वैकेंसी निकालता है उसमें जो 20% जो वैकेंसी जो रेलवे की तरफ से जो किया होगा, जो आपका अप्रेंटिस किया होगा एक अप्रेंटिस, उसमें 20% तो उन्हीं बच्चों को प्रेफरेंस दी जाएंगे, इसमें क्लियर बताया गया 20% उन्हीं बच्चों को दिए जाएंगे जो रेलवे के अंडर में कर चुके हैं ऑन द मेरिट बेसिस, ठीक है, और सुइटेबल देखा जाएंगे, ठीक है, तभी 20% बच्चों को दिया जाएंगे करके ऐसे आगे बिल्कुल क्लियरली मेंशन है और वो चीज़ मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, ठीक है। चलिए इसमें एप्लीकेशन फीस की बात करें, जैसे कि आप देख पा रहे हैं एप्लीकेशन फी ये 100 रुपीज है। देखिए नो फीस हाउएवर इज टू बी पेड बाय द कैंडिडेट्स ऑफ SC/ST PWD आपका वोमेन कैंडिडेट्स, इनके लिए किसी प्रकार का फीस नहीं है, फीस सिर्फ आपका जो कैटेगरी है जैसे कि आपका जनरल कैटेगरी है जिसको अनरिजर्व कैटेगरी कहते हैं, OBC कैटेगरी उनके लिए आपका फीस है, अदर देन जैसे जो एक्स सर्विसमैन के लिए भी फीस है, बाकी SC/ST PWD एंड वोमेन कैंडिडेट्स के लिए कोई भी फीस नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट बात आता है हम इसमें अप्लाई कैसे करेंगे, अप्लाई करने की तरीका ये देखिए, आपका एक वेबसाइट यहाँ पे दिख रहा है, वेबसाइट जो है यहाँ पे देखिए ये www आपका जो रेलवे रिक्रूटिंग सेल easternrailway.com ये है उसका रिक्रूटमेंट का वेबसाइट है, इसमें आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे, आवेदन का तारीख जो है स्टार्टिंग तारीख और मैं क्लोजिंग डेट मैंने बता चुका हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए जो डॉक्यूमेंट टू बी अपलोडेड करना पड़ेगा, इसमें जो सभी बच्चों को मैं ये कहना चाहता हूँ, बहुत सारे अभी आज के जो इसी ईयर में भी जो 2022 में भी बहुत सारे रिजेक्शन लिस्ट मैंने वेरियस एडवर्टाइजमेंट में जो नोटिफिकेशन में मैंने देखा हूँ, बहुत सारे बच्चे जो है रिजेक्ट हो रहे हैं, जो कि आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करते हैं गलत कर देते हैं, उनका जो परमानेंट एड्रेस होता है एड्रेस गलत भर रहे हैं, उनका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को गलत भर रहे हैं, ठीक से स्कैन नहीं हो रहे हैं, और जो ऑनलाइन जो फीस एग्जामिनेशन फी जो भरना है वो सक्सेसफुली सबमिट नहीं कर पा रहे, ठीक है। इसलिए मैं सभी जो तमाम जो बच्चों को मैं ये बोलना चाहूँगा, आपको जो जो डॉक्यूमेंट मांगा गया है उसको प्रॉपरली स्कैन कीजिए और बिल्कुल यकीन कीजिए, यकीन के करने के बाद फिर उसको आप सबमिट कीजिए। देखिए यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट आपको लगेंगे, जैसे आपका स्कैंड फोटोग्राफ्स लगेंगे और स्कैंड आपका सिग्नेचर होगा, यहाँ पे पूरा बिट बाय बिट आपको समझाता हूँ, जैसे स्कैंड आपका फोटोग्राफ्स लगेंगे, स्कैंड आपका सिग्नेचर होंगे, स्टैंडर्ड जो 8th और 10th स्टैंडर्ड मार्कशीट होंगे, जिस ट्रेड के लिए 8th स्टैंडर्ड की जरूरत है उनको 8th स्टैंडर्ड, और जिनके लिए 10th स्टैंडर्ड के लिए वो 10th स्टैंडर्ड का मार्कशीट जो है उनको अपलोड करना होगा। आता है नेक्स्ट जो आता है यहाँ पे आप देख सकते हैं ITI सर्टिफिकेट फ्रॉम NCVT से जो आपको ITI सर्टिफिकेट प्राप्त किए हुए हैं NCVT नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग या स्टेट काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग से, उसको भी स्कैन करके आपको भरना होगा, आपको अपलोड करना होगा। कम्युनिटी सर्टिफिकेट जैसे आपका कास्ट सर्टिफिकेट, जो बच्चे SC/ST OBC या EWS कैंडिडेट से होते हैं उनका कास्ट सर्टिफिकेट को शामिल करना होगा, अपलोड करना होगा। PWD जो सर्टिफिकेट वो भी आपको स्कैन करके देना होगा, ठीक है। तो इसमें जैसे बताया गया कि फॉर्मेट ऑफ द कम्युनिटी सर्टिफिकेट EWS सर्टिफिकेट एंड PWS सर्टिफिकेट सेल बी एज पर द डॉक्यूमेंट अपलोडेड इन द वेबसाइट में दिया गया है, उसको भी मैं दिखाऊंगा कौन सी फॉर्मेट है। प्रॉपर उसी फॉर्मेट में आप उसको जो ऑथराइज जो बॉडी है, जैसे हमारा तहसीलदार होते हैं, जो भी है आपका ऑथराइज बॉडी है, DM हो चाहे एडिशनल DM हो, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो, उनसे आप प्राप्त करके उसको प्रॉपर डॉक्यूमेंट को आप जो है उसको स्कैन करके अपलोड करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो चीज़ें जैसे यहाँ पे बात करूँ, या इसका एक हेल्प डेस्क भी जो ईस्टर्न रेलवे की तरफ से दिया गया हेल्प डेस्क जो दिया हुआ है, इसमें अगर किसी प्रकार की अगर सबमिटिंग टाइम पे एप्लीकेशन सबमिट के टाइम पे या फीस सबमिशन के टाइम पे किसी प्रकार का प्रॉब्लम होता है
तो आप ये जो वेबसाइट जो मैंने पहले दिखाया था वो RRC जो ईस्टर्न रेलवे का वेबसाइट पे आप उसमें एक नंबर उसमें आएगा जो आपका जो हेल्पलाइन नंबर उसमें दिया हुआ है, आप उसमें कॉल करके भी पता कर सकते हैं। अच्छा, जो इनवैलिड एप्लीकेशन इसमें बताया गया है कौन सी कंडीशन पे जो एप्लीकेशन जो है इनवैलिड या रिजेक्ट कर दिया जाएंगे, ठीक है, तो वो कंडीशन आप देख सकते हैं इसमें मोटे तौर पे। अगर आपको जो सिग्नेचर करना होगा कंप्लीट आप कैपिटल लेटर या ब्लॉक लेटर में नहीं करेंगे, रनिंग लेटर में करना पड़ेगा। रनिंग लेटर मीन्स उसमें आपका जो पहला लेटर रहेगा बड़ा रहेगा, बाकी लेटर सारे स्मॉल लेटर्स रहेंगे, ठीक है। ये नहीं कि सारे लेटर को आप कैपिटल लेटर में लिख दिया तो वो उस केस में आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगी। अगर आपका मान लो जो ITI का सर्टिफिकेट अगर फर्जूरी सर्टिफिकेट लाए हैं तब भी उस केस पे कर दिया जाएगा। थंब इंप्रेशन अगर ठीक से आपने स्कैन नहीं हुआ है उसी केस पे भी कर दिया जाएगा। कास्ट सर्टिफिकेट और अदर सर्टिफिकेट अगर आपने अपलोड नहीं किया है उस बेस पे आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अगर पेमेंट आपने नहीं किया है, ठीक है, सक्सेसफुल पेमेंट अगर नहीं हुआ है उस केस पे आपको कर दिया जाएगा। नॉट हैविंग रिक्विजाइट द एजुकेशनल एंड टेक्निकल क्वालिफिकेशन अगर नहीं आपने अपलोड ठीक से किया है तो उस केस में भी आपको कर दिया जाएगा। मोर देन वन एप्लीकेशन बाय सिंगल कैंडिडेट, एक कैंडिडेट से अगर एक से ज़्यादा एप्लीकेशन देता है उस बेस पे भी उनको जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये तमाम जो था जो पॉइंट्स थे जिस वजह से कैंडिडेट्स को ये किया जा सकता है, रिजेक्ट किया जा सकता है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया यहाँ पे आप देख सकते हैं जो नोटिफिकेशन जो दिया हुआ है यहाँ पे जो एडवर्टाइजमेंट दिया हुआ है प्योरली देखिए प्योरली फॉर द अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, इसमें क्लियर जो लिखा हुआ है ये आपका अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के लिए ही आपको दिया गया नोटिफिकेशन, नॉट फॉर द एम्प्लॉयमेंट। ये नहीं कि आपको रेलवे में सर्विस दिया जा रहा है, ठीक है। आप ये ट्रेनिंग प्राप्त करेंगे जो रेलवे एस्टेब्लिशमेंट से अंडर द अप्रेंटिस जो एक्ट है 1961 के तहत आप करेंगे और आपको सर्टिफिकेट प्रदान की जाएगी। और ये सर्टिफिकेट जो है आपका फ्यूचर जो करियर में फ्यूचर जो समय में अपकमिंग समय में जो जितना भी टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए जितना भी ऑर्गेनाइजेशन है चाहे इवन इफ रेलवेज है आपका डिफेंस सेक्टर्स है आपका जो जितना भी आपका इंडस्ट्रीज है आपका जो टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है, ठीक है, आपका ट्रेड से संबंधित जितना भी ऑर्गेनाइजेशन है उसी ऑर्गेनाइजेशन में आपको प्रायोरिटी जो है मिलेगा, जो अग्राधिकार उसमें मिलेगा। इसमें देखिए पूरा बिल्कुल क्लियर किया है जैसे हाउएवर 20% ऑफ द वैकेंसी नोटिफाइड टू बी फिल्ड अप, जैसे वैकेंसी इसका वैकेंसी निकलेगा जो एम्प्लॉयमेंट के लिए जो वैकेंसी निकलेगा उसमें 20% जो बिल्कुल क्लियर लिखा 20% वैकेंसी नोटिफाइड फिल्ड अप इन द लेवल वन, ठीक है। लेवल वन जो होता है ग्रुप डी का जो वैकेंसी होते हैं रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जो होता है उसमें आपका 20% जिसका ग्रेड पे 1800 होता है सेल्फ फील्ड बाय द गिविंग प्रिफरेंस टू द कोर्स कंप्लीटेड एक अप्रेंटिस ट्रेंड इन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट्स, ठीक है। इसमें कहा जा रहा है कि जो बच्चे रेलवे एस्टेब्लिशमेंट में अगर अप्रेंटिस क्लियर किए होंगे उसमें जितने भी जो ग्रुप डी के अंदर जो वैकेंसी निकलेगा 20% वैकेंसी के लिए इन बच्चों को जो रेलवे एस्टेब्लिशमेंट से किए हैं उन्हीं बच्चों को प्रेफरेंस दिया जाएंगे। उनका रेलवे जो रेलवे से जो अप्रेंटिस ट्रेंड होना चाहिए रेलवे एस्टेब्लिशमेंट से और उनका नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट ग्रांटेड होना चाहिए बाई NCVT, उन तमाम बच्चों को जो है अग्राधिकार दिया जाएंगे, ठीक है। इसमें क्लियर कट आपको मेंशन किया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो चीज़ें हैं इसमें आपका जो आपका स्टाइपेंड की अगर बात करें जो स्टाइपेंड्स वगैरह होंगे वो आपका रेलवे का गाइडलाइंस के हिसाब से जो ट्रेनिंग के पीरियड उसमें क्लियर नहीं किया हुआ है कितना रुपये आपको स्टाइपेंड के तौर पे दी जाएगी, बट उसमें आपको स्टाइपेंड दी जाएंगे जो आपका ईस्टर्न जो रेलवे ईस्टर्न रेलवे हेडक्वार्टर की तरफ से वो आपको डिसाइड की जाएगी इनको कितना परसेंट कितना जो स्टाइपेंड के तौर पर देना है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस्ड बाय द अदर बैकवर्ड क्लासेस, जो अदर बैकवर्ड क्लासेस जो कैटेगरी अप्लाई करते हैं उनके लिए देखिए इंडियन ईस्ट कोस्ट रेलवे की तरफ से ये जो फॉर्मेट दिया गया है इसी फॉर्मेट के तहत आपको प्राप्त करना होगा। जो कंसर्न अधिकारी जो होते हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो या डेप्यूटी कमिश्नर जो भी होंगे वो इसमें आपको सिग्नेचर करके सील लगा के आपको ऑनलाइन जब एप्लीकेशन सबमिट करेंगे उस टाइम पर स्कैन करके देना होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पर ओरिजिनली आपको सबमिट करना होगा। एक डिक्लेरेशन जो है जो अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए एक देखिए डिक्लेर
डिक्लेरेशन एक सर्टिफिकेट यहाँ पे दिया गया है, इसी तरह आपको एक फॉर्म, इसी तरह जो सर्टिफिकेट आपको जो कैंडिडेट का सिग्नेचर करके आपको देना होगा, इंडिविजुअल सिग्नेचर उसके ऊपर है। उसके बाद देखिए जो इनकम सर्टिफिकेट, जो एसेस सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस्ड बाय द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से जो आते हैं उनको, ये जो फॉर्मेट दिया गया इंडियन रेलवे की तरफ, ईस्टर्न रेलवे की तरफ से, ये फॉर्मेट में आपको सिग्नेचर करके लाना होगा और सबमिट करना होगा, ठीक है। ये तमाम जो चीज़ें था जो आपका एक्ट अप्रेंटिसिस, जो 1201 अप्रेंटिसिस ईस्टर्न रेलवे की तरफ से जो एडवर्टाइजमेंट निकला है उसके लिए। तो उम्मीद करता हूँ जो बच्चे इस वीडियो को देखेंगे तकरीबन इसको समझ जाएंगे, 99% समझ जाएंगे। अगर फिर भी किसी प्रकार का आप लोगों का अगर डाउट होता है कि शंका होता है तो आप मेरे को जो मेरा जो सॉरी जो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका पब्लिक कमेंट में जो है मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, पहला चीज़। सेकंड चीज़, इसका जो कंप्लीट जो नोटिफिकेशन को मेरा एक टेलीग्राम में एक पेज है, वे टू सक्सेस के नाम से एक पेज है, उस पेज में इसका संपूर्ण जो पीडीएफ को मैं वहाँ पे आपको शेयर करूँगा। आप वहाँ तो चाहे वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए, संपूर्ण इसको पढ़िए, फिर भी अगर आपको किसी प्रकार का क्यूरी होता है आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। अंत में मैं कहना चाहूँगा जो भी व्यूअर्स लास्ट तक बने रहेंगे, उस तमाम जो व्यूअर्स है चैनल को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, उसके साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए। इसके साथ इस वीडियो को मैं यहीं पे कंप्लीट करता हूँ, अभी फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, नेक्स्ट एडवर्टाइजमेंट के साथ। जय हिंद, जय भारत।